उधर रही ना उधर होगी बुआ की बैस को ऊपर पंखा चल कदर घटा दी बुआ की मौत पिता की उधर रही ना उधर होगी बुआ की बैस को ऊपर पंखा चल कदर घटा दी बुआ की रोटी ना किया जब एक बुढ़ी माँ आपका जमेडन कह देगी नहीं बेटा मेरी आज आंख दुख है मैंने तू डॉक्टर के ले जा तो वे बेटे का के बना माँ आज मेरे कने पिसा को नहीं दूसरा बनो माँ मेरा मोटरसाइकिल में तेल को नहीं तीसरा बनो माँ चिकनू दारा मंगेड़ा बना ज दिया को नहीं और जे काल गैडी बनो मैंने न्यू कदी निशान हो मैंने तो नोर जानो है मैंने ओ खा के आने मैं गई को नहीं कई दिन हो गया वही साकी छोरो मिनट नहीं लगाऊंगी मोटरसाइकिल में सब भी मरोड़ था यो है कलयुग एक कलयुग की हकीकत तो नंबर एक पे बतायो हिर मौत पिता ने रोटी नोयुर आप समोसे खा वैसे धक्का दे के बार काट दे गति शर्मिना मेरा मात पिता ने रोटी लाओ आप समोसे खावे से धक्का दी के बार काट दी कति शर्म नाया वैसे फिर बेटा बाप ने धमकावे से बेटा बाप ने धमकावे से पानी ने बोले है कौआ की भैंस के ऊपर पंखा चले कदर घटा दी ओ मात पिता की कदर रही ना चौथ होगी बुआ की बेस के ऊपर कदर घटा दी बुआ की बहन और भाई को प्रेम भी खत्म होने लग गया क्यों जब भी घर में ब्याह छूट सके कोई और फंक्शन हो है? तो पहला बहन को नहीं आवे ध्यान सुनो माता जी पहला बहन को नहीं आवे पहला साड़ी आवेगी मारा तो साड़ी आ रही है साड़ी कह की जिजा मैं कर दिया थारू जिजो कह थे करो मरो ना बाकी सारी बात को नहीं कहते थे नाराज हो जो बता दियो क्यों क्योंकि बहन ने किसा दिन फोन करेगा सगी दिन भाई अगर तूने टेम है तो आजे नहीं मारा छोरी फुगरी है हकीकत की बात है वे बहन की आत्मा इतनी रोवे कि देख आज मेरे माँ को जो है मैंने सगी दिन फोन करेगा टेम है तो आजे नहीं छोरी फुगरी है बेंगे वाह पहला लगी मैं बेंगे दूर लगी तो नंबर दो पे बतायो बहन भाई का प्यार बदल गया त्योहारा पे न बुलाओ वैसे घर में आ जा साड़ी तो ये बढ़िया सूट सिमा वैसे बहन भाई का प्यार बदल गया त्योहारा पे न बुलाओ वैसे घर में आ जा साड़ी तो फिर बढ़िया सूट सिमा वैसे फिर ब्याह में चौधर करवा वैसे ब्याह में चौधर करवा वैसे ना पूछ रे काके दवा की भैंस के ऊपर पंखा चाने कदर घटा दी ओ, ओ, ओ मौत पिता की कदर चौधर होगी बुआ की भैंस के ऊपर पंखा चाने कदर घटा दी बुआ की Thank you.
पिछली कड़ी में बतायो अपने भारत देश में अपनो धर्म किसो, अपनो धर्म किसो टाबरो, सनातनी धर्म, हिंदू सनातनी हो तो एक है लेकिन अपनो धर्म सनातनी धर्म। यो भी क्यों कमाल लागो, क्योंकि अपनी जो धर्म की माँ कौन है, गऊ माँ। इस भारत देश में, विश्व देश में, पूरे में उच्च दर्जो दियो तो गऊ माता को दियो है। अगर दूसरे नंबर पर पूजी जाओ तो गऊ माता पूजी जाओ। लेकिन आप क्या करा, अब लारस एक रोग आयो सो लंपी वायरस आयो ने, बे वायरस ने भारत की जितनी भी गऊ है आज दिन उन ज्यादा चपेट में ले ली बने, दाबण तक की जगह कौन मिली। मान ली इतनों कलियुगी फैला दियो, क्यों फैलायो, ये अपना कर्म है, ने अपनी देवी माँ का इतना नुकसान हो जा, कदे नहीं हो सके। क्यों, बे वायरस में जिका घर में गाया नहीं बात नहीं पुग्यो, लोग डरने लग गया, सांस लाम मरे नहीं हो जा, टिपाओ ने अर्ज बोई वायरस भैंस में हो जा तो कोई को नहीं दे। क्यों, जिकी गा 60-70 हजार में बिकनी होने ठाडी करके, वे गाने 6-6 हजार में बिकता देखे, सब ने पता है बुज्जड़ खाने में के हाल वे गाया हूँ, अपने छोटी सी ब्लेड लग जाए मैं वो बंग बंग हो जाऊँ, लग गिरे डॉक्टर कन बजाऊंगा, पट्टी कराऊंगा, रेक्शन ना कर जाऊँ। सोचो गौ माता की इतनी मोटी चामड़ी पर लोग यारी चल बापन कितनी गाल काटती हूँ, वह एक ही बात का देख इनमें इतना दूध पियो, इनकी सेवा करी आ जन देख मैंने किन्ने भेज दी कसैया ए गलिया में इट्टी की लाठी लेके कहो नहीं पाटियो भैंस बेच लियो, अने भैंस कोई कौन दे, अने गाय पकड़ा वे लियो ले जो टले रही है दूध ही कौन दे। गौशाला में तो दिन ने जी कौन कर सोचा थाने दे दा की तो बटे है, गौशाला में दिया दुखी कौन देगा, नुका का छोड़ जो थारे को कितने दे तो ना 2-3 जरवंटे तो है, यो आ गयो कलियुग और ऊपर आरो सब देखे। नंबर 3 पे बतायो हिंद देश का धर्म खत्म, गौ माता ने कटवावे से भर भर ठेले जाने लोग रे दिल्ली तक पहुंचावे से, हिंद देश का धर्म खत्म, गौ माता ने कटवावे से जाने लोग रे दिल्ली तक पहुंचावे से, मशीनों पे कटवावे से, मशीनों पे कटवावे से, यो नाली रे चले लूहा की मैश के ऊपर पंखा चले कदर घटा दी, हो मात पिता की कदर रही ना चौधर होगी बुआ की, वैंस के ऊपर पंखा चले कदर घटा दी गौआ की। एक गौ माता को आखिरी सारो कौन है, कृष्ण भगवान बेहू पहला गौशाला जद वा घरों तंग हो जाने भी हाँ अठे सेवा कोनी कर सके ओ इंसान कोनी धर्म को भागी, गौशाला में जुड़ जा, आप गौशाला में जाओ अपने काम में गौशाला है के अली बुझो क्या बात है, गौशाला में जाओ कदी भी गौ माता की आंख चेक करियो, इतना इतना आंसू चले डबा होगा कोई नहीं गा बनकर नहीं करे, बाने भी दुख हुए बंगे तकलीफ हुए कोई कौन देखे बंका नहीं, जब गौशाला में कदर नहीं हुआ नहीं तो बाकी नहीं याद करेगी रोती रोती जिको भी को रुखाड़ू है कौन है, कृष्ण भगवान तो कहने लगी हो गौ माता ये पुकार रही है, सांवरिया कभी आओगे, गौ माता ये पुकार रही है, सांवरिया कभी आओगे, हो आके धीर बंधाओगे, गौ माता ये पुकार रही है, सांवरिया कब आओगे। अंतिम कड़ी है, इमें जितना भी भगत बैठे हो कुर्सियां पर बैठे हैं, बाइक पर बैठे हैं,
सारा जोरदार ताली बजाओ, या ताली मेरे खातिर कोनी ना कृष्ण भगवान खातिर। एक बार जितना भी बैठे हो जोरदार ताली बजाओ ताकि तारी तालियां गूंज जावे। या ताली किस खातिर? जनियो भजन लिखी हुए कने फतेहबाद सुने हो। फतेहबाद कने एक छोटो सो गांव है बनगांव। बे गांव में कान्हा राम लोहार भाई जी कितने ढुलक बजावे, आंख खातर भी जोरदार ताली बजाओ। मैं बदल बदल के आवा लेकिन सारा बैठा रहे, जोरदार ताली बजाओ। आइटन हो जा था मैं बजा बजा के। और भजन बांगो लिखी है, एक एक कड़ी बड़ी प्यारी लिख रखी, एक एक कड़ी सच्चाई की लिख रखी है। अंतिम कड़ी बतायो। कान्हा राम कई साल बीत गए, इज्जत अपनी कमाने में, या छोरी भी जी साले री बढ़िया भजन सुनाने में। कान्हा राम कई साल बीत गए, इज्जत अपनी कमाने में, या छोरी भी जी साले री बढ़िया भजन सुनाने में। फिर नहीं मुफ्त का खाने में, नहीं मुफ्त का खाने में, करे कमाई दस नौवा की, बैस के ऊपर पंखा चाले, कदर घटा दी ओ, ओ, मौत पिता की कदर रही ना चोधन होगी बुआ की, बैस के ऊपर पंखा चाले, कदर घटा दी नौवा की, ओ कदर घटा दी दुआ की, कदर घटा दी भूली गौ माता की, अपने अपने मात पिता की।